आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथ स्थानांक ज्यामिति त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल। तो अभ्यास 20 का हल करें, 20 में दो नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। दो नंबर का सवाल में देखिए क्या है, प्रमाणित करें कि 3 - 2 - 5 - 4 और - 1 - 1 बिंदु एक रेखीय बिंदु है। आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब ये तीन बिंदु कोणीय हो, अर्थात एक सरल रेखा में नहीं हो। जब एक सरल रेखा में नहीं होगा तो क्या होगा, इससे एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और त्रिभुज जब बनेगा तो इसका कुछ न कुछ एरिया जरूर होगा, है ना। लेकिन यही तीन बिंदु को हम इस तरह से एडजस्ट करें ये तीनों एक रेखा में उपस्थित हो जाए, तो अब बताइए इसका एरिया क्या होगा। अगर एक रेखा में अवस्थित हो जाएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम यहाँ पर इसे प्रमाणित करेंगे कि अगर तीन बिंदु है, तीन बिंदु एक रेखीय है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर ए बी सी तीनों अगर बिंदु एक रेखीय ना होता तो एक त्रिभुज बनता और उस त्रिभुज का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होता। लेकिन यहाँ कहा गया कि नहीं, ये तीनों क्या है, एक रेखीय बिंदु अवस्थित है ए और बी। मान लिया जाए ए यहाँ है तो बी यहाँ है, सी यहाँ, तो एक रेखीय होने से त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लिखें कि ए बी तथा सी बिंदु यदि ए बी सी बिंदु यदि एक रेखीय हो तो इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शून्य प्रूव करेंगे, ठीक है, कि इसका एरिया क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर ए जो है उसका स्थानांक 3 - 2 होगा, ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा, -5 और 4 होगा, और सी का कितना हो जाएगा, तो -1 और 1 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालें, एरिया निकालने का जैसा कि सूत्र बताया गया है उसके हिसाब से इसको हम इस तरह से सजाएं, 3 - 2, ठीक है, -5 - 4 - 1 - 1 और फिर 3 - 2, इस तरह से आप सजा लीजिए इसको। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब ए बी सी क्या है, एक रेखीय है, ठीक है, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए जैसा कि बताए हैं 3 * 4 + - 5 * 1, ठीक है, +-1 * -2, ठीक है, इसको रखेंगे और फिर बीच में माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, -2 * -5, ठीक, प्लस मल्टीप्लाई करिए 4 - -1, मल्टीप्लाई करिए 1 * 3, ठीक है। अब इसका मान आना चाहिए कितना, 1/2, इसका मान शून्य आना चाहिए, 4 * 3 = 12। यहाँ देखिए +-5, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ देखिए -, -, प्लस हो जाएगा,
इसको 5 × 2 = 10 करेंगे, -4 करेंगे और +3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 और 5 घटा देंगे 9, फिर बीच में माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखिए 10 में 4 घटाइए 6, 6 और 3 9, अब बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 1/2 × 0 = 0/2। 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0, चूंकि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः ए बी सी एक रेखीय होगा, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी तीनों बिंदुओं का द्वारा बना जो त्रिभुज होगा वो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो त्रिभुज अगर हम बनाना चाहेंगे तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 - 1, 2 - 1 और k - 1, इसका एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब एरिया नहीं है। एरिया नहीं है तो ए बिंदु कहाँ पे चला आया, यहाँ पे आएगा ए बिंदु मान लिया जाए, फिर ए बिंदु और नीचे आया, एक समय ऐसा आया कि ये बिंदु यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, ए बी सी एक रेखा पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तब यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ए बिंदु खिसकते 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 किस पॉइंट पर आ गया, तो ये ए बिंदु आ गया सरल रेखा पर आ गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए, चूंकि ए बी सी तीनों एक रेखीय है, अतः ए बी सी का क्षेत्रफल = 0। अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब उसी नियम का व्यवहार करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1 है तो -1 है, 2 है -1 है, k है -1 है, 1 है -1, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एरिया निकालना होगा, तो एरिया 1/2, अब यहाँ देखिए 1 × -1 बराबर क्या होगा, -1 होगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई करिए 2 × -2, तो यहाँ पे जो प्लस हुआ उसके बाद यहाँ पे आ गया -2, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो, फिर प्लस k × -1 करेंगे क्या आएगा, -k आएगा, ठीक है, ये आपका इसमें आ गया। अब क्या होगा, माइनस, फिर देखिए फिर 1 × 2 करेंगे, माने -1 × 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ -1 × k करेंगे तो क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा, -k, और फिर 1 को -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे k का मान निकालना है, ठीक है, तो इसी को अच्छा से सॉल्व करते जाएंगे तो k का मान निकल जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए यहाँ -1 और -2 है तो -3 हो जाएगा और -k हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए माइनस, और इधर देखिए -2 और -1 तो -3 और -k = 0।
अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस के, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3, और फिर माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, के और के भी कट जा रहा है और तीन भी कट जा रहा है, यानी यहाँ पे आया क्या, तो माइनस के प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिवाइड होगा 1/2, यानी ये भी 0 हो जाएगा, माइनस के प्लस के बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि k का मान, हम जो भी k का मान रखेंगे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, तो ये तीनों बिंदु एक रेखीय होगा। तो k का किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु एक रेखीय हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि k का किसी भी मान के लिए एबीसी के किसी भी वास्तविक मान के लिए एबीसी एक रेखीय होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर k का मान रख देते हैं 2, तो अब बताइए कि k का मान अगर 2 रख देते हैं तो -2 और +2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 भी रखने से हो रहा है। अगर k का मान रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो k का मान अगर 3 रखेंगे तो -3 और +3 ये भी कट के कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए k का कोई भी वास्तविक मान अगर हम रखते हैं तो इसका मान 0 आता है, और ABC क्या होता है, एक रेखीय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे k के किसी भी वास्तविक मान के लिए ABC एक रेखीय होगा, अर्थात k का कोई फिक्स मान नहीं है, यहाँ कोई भी मान हम रख सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं और चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रमाणित करें कि 1, 2 -2, 4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदुगामी है। ठीक है, ये मूल बिंदुगामी है, इसका मतलब क्या है कि इसी सरल रेखा के ऊपर एक एक बिंदु ऐसा भी है जिसका कि जो स्थानांक होगा वो 0 होगा। ठीक है, जिसका स्थानांक होगा वो 0, 0 होगा। ठीक है, तो ये मूलगामी होने के लिए इसका एक जो स्थानांक होगा वो 0, 0 होगा। ठीक है, तो लिखें कि 1, 1, 2 -2, 4 बिंदु यदि एक सरल रेखा में स्थित है तो मूल बिंदु 0, 0 इसी सरल रेखा पर स्थित होने के लिए तीनों बिंदुओं को मिलाने पर बना
त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, अतः हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि तीनों बिंदु क्या है, एक रेखीय है। अतः हमें प्रमाणित करना होगा कि ABC द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो अब तीन बिंदु जो यहाँ पे दी गई है वो क्या है, 1, 2, -2, 4, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे वो होगा क्या, 1, 2 इस तरह से लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे -2 और -4 और तीसरा शून्य शून्य लिखेंगे क्योंकि मूल बिंदु गामी हो रहा है, और फिर 1 और 2 लिखेंगे, और इसका क्षेत्रफल कितना होना होगा तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बराबर 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए -4, यहाँ पे देखिए -0, यहाँ पे देखिए +0, माइनस यहाँ पे देखिए -4, यहाँ पे देखिए -0, यहाँ पे देखिए -0। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो जाता है जब हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। माइनस माइनस, ठीक है, 1/2 इंटू 0 बराबर 0। तो अब आप इस एरिया त्रिभुज, इस तीनों बिंदुओं के द्वारा बना त्रिभुज का एरिया अगर शून्य हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों बिंदु मूल बिंदुगामी होगा। अतः बिंदु 1, 2 तथा -2, 4 क्या होगा, मूल बिंदुगामी होगा क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा है, क्योंकि तीनों बिंदुएं क्या है, एक रेखीय है, एक रेखीय है। हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल 5 नंबर का। प्रमाणित करें कि 2, 1 और 6, 5 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा का मध्य बिंदु -4 -5 और 9, 8 बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा खंड पर स्थित है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह से समझाएं कि ये दो जो बिंदु है इसका मध्य बिंदु, अगर मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ है, मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ है 2, 1, ठीक है, समझ लें, दूसरा बिंदु है यहाँ पे 6, 5, ठीक, दो बिंदु है। तो अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है इसको ऐसे समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है। ये मान लिया ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, अब ये दोनों बिंदु का जो मध्य बिंदु है, ये मान लिया इसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, अभी मालूम नहीं है कि ये ओ कौन सा बिंदु है, इसका स्थानांक क्या है, हमको मालूम नहीं, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु -4, -5 और 9, 8 बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा खंड पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि एक और बिंदु है, वो बिंदु है -4 और -5 और एक और बिंदु है जिसका कि स्थानांक है 9, 8। अब कहता है इन बिंदुओं के, ठीक
ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा ओ बिंदु। अब गौर करिए, बात को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ओ बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, तो ए और बी का मध्य बिंदु है। और ये मध्य बिंदु कह रहा है कि ये जो सरल रेखा निर्मित हुआ है किन दो स्थानांक के द्वारा, तो मान लिया जाए ये P है और ये Q है, तो P का स्थानांक है -4 और -5 और Q का स्थानांक है 9 और 8। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, ठीक है, जो सरल रेखा प्राप्त होगी उसी बिंदु पर O बिंदु भी अवस्थित होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ AB का मध्य बिंदु का स्थानांक निकाल लेनी होगी। और ये जो स्थानांक जब हम निकालेंगे तो ये स्थानांक क्या होगा, तो पी ओ क्यू के ऊपर होगा, अर्थात पी ओ क्यू एक रेखीय होगा। तो इसको एक रेखीय साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी ओ क्यू के द्वारा बना जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल शून्य प्रमाणित करना होगा। अगर ये प्रमाणित कर देते हैं तभी ये चीज को हम प्रमाणित कर पाएंगे। बात को समझ गए हैं? अब जब बात को समझ गए हैं तो अब हम करना चालू करते हैं इसको। अब इसको देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम है आपका ए और बी बिंदु का मध्य बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर या चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार क्या होना चाहिए, ए तथा बी का मध्य बिंदु का स्थानांक। मध्य बिंदु का नाम क्या है, मध्य बिंदु ओ का स्थानांक क्या होगा, मध्य बिंदु ओ का स्थानांक आप जान रहे हैं कि x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब देखिए हम यहाँ ए बी का निकाल रहे हैं तो इसको नहीं देखना है, ए बी का देखना है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो देखिए इसका स्थानांक क्या होगा, यहाँ पे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, 2 + 6, ये क्या है, ये x1 है, ये x2 / 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए y1 y2 / 2, यही तो स्थानांक होगा, किसका स्थानांक होगा, ये जो ओ जो मूल बिंदु है उसका स्थानांक, 8 / 2, 7 / 2, एक आएगा 4 और दूसरा आएगा 7/2, ये जो है स्थानांक आया, किसका स्थानांक आ गया, ये स्थानांक आ गया ए बी के मध्य बिंदु का स्थानांक आ गया। तो ए बी का मध्य बिंदु का जो स्थानांक आ गया है वो 4 है और 7/2 है। यहाँ पर देख लेंगे कि x1 + x2 / 2, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये है y1 और ये है y2, तो यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, ठीक है, यहाँ पे है 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो 7 है यहाँ पे आ जाएगा 6 / 2। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, इसको काटते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, तो अब आएगा यहाँ पे कितना, तो अब जो है यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो स्थानांक है वो है 4 और 3 है,
यानी यहाँ जो ओ बिंदु का स्थानांक आया 4 और 3 आया। अब यहाँ आप देखिए पी ओ क्यू एक रेखीय होने के लिए, ठीक है, पी ओ क्यू को एक रेखीय होने के लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि पी ओ क्यू के द्वारा जो बना त्रिभुज है उसका स्थाना उसका जो एरिया है वो शून्य होगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे पी ओ अब लिखेंगे बिंदु पी ओ क्यू के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होने पर ही पी क्यू आर क्या होगा, एक रेखीय प्रमाणित होगा। ठीक है, अतः पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2। अब देखिए इसका जो स्थानांक आया है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए जो P का स्थानांक है वो हमारा है -4 -5 Q का जो स्थानांक है वो है 9/8 और अभी अभी जो O का स्थानांक निकला है उस O का स्थानांक है 4/3। ठीक है, तो ये इसका स्थानांक है। तो इसको हम अगर सजाते हैं तो इसको सजाने के लिए हमको इस तरह से सजाना पड़ेगा -4 -5 9/8 4/3 -4 -5। ठीक है, इस तरीके से सजा लेना पड़ेगा और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 1/2। अब देखते जाइए -32 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 27 -20 फिर माइनस, अब यहाँ से देखिए -45 + 32 -12। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या होगा -32 और -20 ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए आ जाएगा 52 -52 इसमें 27 माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 5 2 7 57 माइनस में आया, अब प्लस में 32। अब इसको जोड़ घटाव करना पड़ेगा तो घटाइए इसमें कितना 12 में 7 11 5, ठीक है, और ये बचेगा 4 में 4 11 2 यानी -25 बचा और यहाँ माइनस है और यहाँ देखिए 7 में 2 11 5 5 में 3 11 2 लेकिन ये माइनस में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसको और ज़्यादा आगे अगर बढ़ा के लेके जाते हैं तो आता है 1/2 -25 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 25 जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 25 25 कट जाएगा, हो जाएगा कितना 0। अब देखिए इसका मान कितना आ गया 0,
तो अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो पी ओ क्यू क्या होगा? एक रेखीय होगा। अतः पी ओ क्यू बिंदु एक रेखीय होगा और यही हो गया प्रमाणित। ठीक है, तो आज हम लोग 5 तक सवाल देख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और जो पुराने हैं वो कम से कम इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।